हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले नेवी एमआर फ्रीडम मोमेंट स्वतंत्रता सेनानी चैप्टर का नाम है और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। इनसे दो क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं, आपको एक क्वेश्चन भी आ सकती है, दो क्वेश्चन भी आ सकती है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हमेशा होता रहता है। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं, हर एक चैप्टर वाइज चलती है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट है, आप जल्दी पूरा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी के खिलाफ सत्याग्रह का विरोध किया था। हु एमंग द फॉलोइंग अपोजिस गांधी जी इज सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉयल एक्ट। तो सबसे पहला है एम ए जिन्ना, दूसरा है अब्दुल बारी, तीसरा है एनी बेजेंट और चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एनी बेजेंट जो थी, उन्होंने ही सत्याग्रह के खिलाफ विद्रोह किया था। एनी बेजेंट इंग्लैंड के थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दो नंबर जो है, यह है निम्न से किस स्थान पर सबसे खराब दृश्य देखा गया था रॉयल एक्ट सत्याग्रह के हिंसा के विरुद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र। तो इनमें जो पंजाब जो थी, यहाँ पर सबसे खराब दृश्य देखा गया था रॉयल एक्ट के समय सबसे खराब स्थिति थी पंजाब की, इंडिया के पंजाब के शहर में। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था। द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग वॉज फॉर्म इन 1942 इन सिंगापुर, बर्लिन, टोक्यो या हांगकांग। तो यहाँ पर जो थी सिंगापुर, वहाँ पर हमारा हुआ था। सिंगापुर एक शहर का नाम है। नेक्स्ट जो हमारा है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 का अध्यक्ष कौन था। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन किसान जो थी वो अध्यक्ष, उनका सभापति जो था वो 1936 में वो कौन था। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया एनजी रंगा, दूसरा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, तीसरा है विद्यानंद और चौथा है बाबा रामचंद्र। तो इसका जो ऑप्शन है विद्याचंद्र सही आंसर। यही जो थे उन सदस्य के जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 का जो अध्यक्ष था विद्यानंद ही थे। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, INA का पहला कमांडर कौन था। तो सबसे पहले हम बताते हैं INA का पहला कमांडर जो थे वो निरंजन सिंह जो थे, वो INA का पहला कमांडर थे निरंजन सिंह गिल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और ये स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम मूवमेंट का ये क्वेश्चन चल रहा है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन हम उनको करवा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने क्रिप्स के साथ बातचीत की 1942 और शिमला सम्मेलन में वेवेल। ठीक है, द कांग्रेस प्रेसिडेंट वॉज कंडक्ट विद क्रिप्स इन 1942 एंड वॉलवेट एट शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी में जेवी कृपाली और ऑप्शन डी में सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ही बातचीत की थी शिमला सम्मेलन के वेवेल में, और ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। ठीक है, 1946 में भारतीय रेटिंग में परिवर्तन हुआ था। अब देखिए कहाँ हुआ था, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम या बॉम्बे। तो भी मद्रास में हुआ था, कलकत्ता में तो हुआ नहीं था, नहीं विशाखापट्टनम, नहीं बॉम्बे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो मद्रास, वहीं पर हुआ था हमारा 1946 में भारतीय रेटिंग में परिवर्तन। इंग्लिश में भी दिया है, अगर चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। क्या संदेश फैलाने के लिए मुख्य साधन साबित हुआ राष्ट्रवाद, रेलवे, अंग्रेजी शिक्षा या फिर प्रेस या फिर टेलीग्राफ। संदेश को फैलाना है तो रेलवे के द्वारा क्या संदेश फैलाया जा सकता है, नहीं मेरे पास। क्या प्रेस के द्वारा संदेश फैलाया जाता है लेकिन उतना फैलता नहीं है टेलीग्राफ। बट अंग्रेजी शिक्षा बहुत ही काम आई इंडियन के लिए, और यही जो थी इंग्लिश एजुकेशन, यही हमारा साबित हुआ। हु प्रूव टू द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर सेपरेटिंग
द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9th, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पहले संगठित था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंग्लिश का ऑप्शन सेम एज यही होगा, सिर्फ यहाँ पर नेशनल जो होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर चेंज होगा, फिर यहाँ पर सेम एज यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेम एज यही है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पहले संगठित था? तो सबसे पहले जो संगठित था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो सबसे पहले संगठित था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया, 10th की ओर चलते हैं। 10th में क्या कहता है, लिटन वो क्या था, आर्म्स एक्ट। लिटन वाज नॉट एसोसिएट विथ द, तो लिटन जो था वो इल्बर्ट बिल जो था उसी से संबंधित था, इल्बर्ट बिल से लिटन। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया और इस चैप्टर में अभी और भी क्वेश्चन है तो हम सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट रखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, अपने भाई के दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करो, व्हाट्सएप ग्रुप ट्विटर जहाँ भी हो शेयर करता रह चला जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चले यहाँ पर भी तैयारी करवा जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं, आते हैं इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और भी चैप्टर्स करेंगे, बट इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन हैं तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आपको मिल जाएगी।